डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग आज चलते हैं क्लास टेंथ के लिए मैथ सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे कि टेंथ क्लास में हम लोग अभी जो पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 5.1 को पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज 5.1 को पढ़ रहे थे। अब एक्सरसाइज 5.1 में जरा क्वेश्चंस को देखें तो पहला हम लोग का ऑलरेडी कंप्लीट था, दूसरा भी कंप्लीट है, तीसरा भी कंप्लीट है। अब हम लोग आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में इन करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में अब अगर अच्छा से देख पा रहे होंगे टोटल 1, 2 ऐसे करके टोटल 15 तक के सवाल है, ठीक है। चौथा में टोटल कितना सवाल है, 15 सवाल। और कुछ स्टूडेंट्स ने इसको सही आंसर किया है, ऑल करेक्ट बनाए हैं, उनको दिल से सधन्यवाद। और जो लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि हमें तो सबको साथ लेकर चलना है ना, अगर आपसे बन गया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और जो लोगों की प्रॉब्लम है, जो लोग से बन नहीं पा रहे हैं, तो मेरा काम यही है कि सबको एक साथ लेकर चलना, एक साथ आगे लेकर बढ़ना, ठीक है। तो इसलिए जिन बच्चों को, जिन स्टूडेंट्स को चौथे में प्रॉब्लम है, चौथे वाले कुछ क्वेश्चंस में हम उसको करते हैं आज, यानी कि आज की क्लास में हम लोग चौथा के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए चौथा का क्वेश्चन देखा जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं पहला दूसरा को तो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, तो कुछ ऐसा क्वेश्चंस को हम लोग 15 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन नहीं करेंगे, कुछ ही क्वेश्चंस को करेंगे जो थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये हार्ड है, ठीक है। तो चौथा का चलिए हम तीसरा क्वेश्चन पकड़ते हैं, चौथा का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। माइनस में 1.2, फिर माइनस में 3.2, माइनस में 5.2, माइनस में 7.2। सवाल ऊपर क्या बोल रहे हैं कि कौन कौन एपी में है, यदि एपी में है तो इनके तीन और पद निकालना है। अगर ये एपी में रहेगा तब निकालना है, अगर एपी में नहीं रहेगा तो नहीं निकालना है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को चेक करना है। कैसे चेक किया जाता है वो जरा समझिए, यानी कि हम लोगों को सार्व अंतर निकालना होता है, तभी ना चेक करेंगे कि जो सार्व अंतर का वैल्यू है सब में बराबर आता है। तो एपी में हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप सॉल्यूशन करेंगे तो बी निकालिए, अगला पद माइनस पिछला पद, तो अगला पद तो 3.2 है, माइनस करेंगे पिछला पद, तो पिछला पद है 1.2, तो माइनस 3.2 और माइनस माइनस प्लस 1.2, तो ये घटा कर कितना हुआ, माइनस में 2। फिर अगला लिखेंगे, सबको चेक करेंगे, तो अगला पद माइनस पिछला पद, अब की हम लोग अगला पद को माइनस 5.2 पकड़े और माइनस में घटा दिए माइनस 3.2, तो इसको घटाएंगे तो माइनस 5.2 और ये माइनस माइनस कितना हुआ, प्लस कितना 3.2, तो इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस 2। फिर अगर एक और डी को चेक करेंगे, अगला पद माइनस पिछला पद, तो माइनस 7.2 में से घटा लेंगे कितना, 5.2, तो कुल मिलाकर ये आ जाएगा कितना, माइनस 7.2 और माइनस माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस था ये वाला, तो माइनस माइनस प्लस 5.2, तो यहाँ आ गया माइनस 2। देख रहे हैं कि सभी डी का मान इक्वल आ रहा है, तो हम लोग चेक करने का रूल था ना कि अगर सब डी का मान अगर इक्वल आएगा हम उसको बोल देंगे कि वो एपी में है। तो यहां पे लिखिएगा अतः यह एपी में है। तो सवाल क्या बोल रहा है, अगर एपी रहेगा तो उसके अगला तीन गो पद निकालना है, अगला क्या गो पद निकालना है, तीन गो। तो एक में सवाल में कई पद तक, कितना पद तक दिया है, तो 1, 2, 3 चार गो पद तो दिया हुआ है, अगला हमें निकालना है, तो चार गो पद निकालना है, चार गो पद तो दिया हुआ है, तो अगला तीन। सवाल बोल रहा है कि अगर एपी रहेगा तब आगे का आपको तीन और निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे तो चार गो पद दिया है, तो आगे का और तीन गो पद कौन कौन सा होगा, पांचवा, छठा, सातवां। तो अब यहाँ पे लिखिएगा उसके नीचे पांचवा पद, पांचवा पद, तो पांचवा पद के लिए हम लोग फार्मूला दिए हुए हैं दोस्तों। क्या फार्मूला है, जब भी जितना पद बोलेगा उतना एक कम करके लिखना है, a प्लस 4d। कब, जब पांचवा लिखेंगे तो a प्लस 4d, a का मान, a होता है प्रथम पद, तो प्रथम पद का माइनस 1.2,
और प्लस चार गुने डी का मान कितना माइनस दो, तो ये कितना हो गया माइनस एक पॉइंट टू और प्लस माइनस माइनस फोर टू जा एट, तो टोटल मिलाकर कितना हुआ माइनस नाइन पॉइंट टू। घटा लेना है, ये भी माइनस में है ये भी माइनस में है, तो माइनस नाइन पॉइंट टू। अच्छा फिर अगर छठा पद निकालना है, छठा पद, तो छठा पद के लिए क्या फार्मूला, छठा पद के लिए फार्मूला हुआ ए प्लस फाइव डी, तो ए का मान कितना हमेशा वही रखेंगे माइनस एक पॉइंट दो प्लस पांच गुण है डी का मान कितना है माइनस टू, तो ये कितना हुआ माइनस एक पॉइंट टू और प्लस माइनस माइनस पांच दुना का दस, तो ये हो जाएगा माइनस ग्यारह पॉइंट दो। उसी तरीके से सातवां पद, सातवां पद कितना, तो सातवां पद बराबर, सातवां पद के लिए क्या फार्मूला लिखेंगे a प्लस सिक्स डी, तो a का मान कितना है माइनस एक पॉइंट दो प्लस सिक्स इंटू डी, तो d का मान कितना d का मान माइनस दो, तो ये कितना हो गया माइनस एक पॉइंट टू और प्लस माइनस माइनस छ दूना का बारह, तो बारह और एक तेरह माइनस तेरह पॉइंट टू। तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे हर एक क्वेश्चन को, लेकिन कब, जब वो एपी में रहेगा तब। अगर मान लिया कि यही एपी में नहीं रहता, यह एपी में नहीं है, तो जब नहीं है तो यहीं तक हम लोगों का खत्म हो गया कहानी, क्योंकि सवाल क्या बोला कि नीचे दिया गया जो श्रेणी है उसको चेक कीजिए कि क्या वो एपी में है, अगर वो एपी में है तभी आगे का तीन पद निकालना है। तो आगे का तीन पद कौन कौन सा, जहां तक के पद दिया रहेगा उसके आगे का तीन ठो, यहाँ चार तक था तो पांच छ सात निकाल लिए। अगर मान लिया कि तीन को दिया रहता तो हम चार पांच छ निकालते, ठीक है, अगला तीन पद इस तरह से निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरा का, तो दूसरा का तीसरा कर लिए क्वेश्चन, अब दूसरा का जो क्वेश्चन है अब हम लोग बढ़ते हैं चौथा पे, दूसरा का चौथा क्वेश्चन, चौथा क्या बोल रहा है, इसका डी का वैल्यू चेंज करते हैं, क्या लिखा हुआ है। चौथा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, क्या है चौथा भाई, माइनस दस माइनस छ माइनस दो फिर दो ऐसे एटीसी, ठीक है, तो इसको चेक कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे अगला पद में से पिछला पद को माइनस करेंगे, तो अगला पद को पिछला पद में से माइनस किया तो माइनस छ माइनस माइनस टेन, तो कितना हो जाएगा माइनस छ प्लस दस, तो दस में से छ गया चार। फिर इसको चेक कर लीजिए कि सम में डी का मान आता है कि नहीं, तो माइनस टू माइनस छ, तो ये हो जाएगा माइनस टू और प्लस छ, तो कुल मिलाकर चार बच गया। यहां पे देख पा रहे होंगे टू माइनस माइनस टू, तो यहां हो जाएगा टू प्लस टू यानी कि फोर, तो देख पा रहे होंगे कि हम लोग का जो डी का वैल्यू आ रहा है वो तीनों में इक्वल आ रहा है, तो जब डी का वैल्यू इसमें 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 इक्वल आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे ये एपी में है, ये एपी में है। जब एपी में हो जाता है तो हम लोगों को तो अगला तीन पद निकालना है, तो अभी तक के कितना पद दिया है एक दो तीन चार, चार पद दिया है, तो आगे का पांचवा छठा सातवां निकालना है, तो पांचवा छठा सातवां में तो फार्मूला वही होगा ए प्लस फोर डी ए प्लस फाइव डी ए प्लस सिक्स डी, ठीक है, हम यहाँ पे मिटा रहे हैं क्योंकि वही चीज हमें दोबारा नहीं लिखना पड़े, तो ए प्लस फोर डी, तो इस अब की बार ए का मान कितना है माइनस टेन प्लस चार गुना डी का मान कितना, तो डी का मान फोर, तो माइनस दस प्लस चर्चों का सोलह, तो सोलह में से दस गया कितना बचेगा छह। उसी तरीके से छठा पद निकालना होगा, तो ए के जगह पे कितना रखेंगे माइनस टेन प्लस फाइव डी है, तो फाइव इंटू डी का वैल्यू फोर, तो माइनस दस और पंचों का बीस, तो बीस में से दस गया तो कितना बचा दस। और सातवां पद निकालना, तो सातवां पद कैसे निकलेगा ए प्लस सिक्स डी, तो ए का मान कितना है माइनस टेन प्लस छ गुना में डी, डी का मान कितना है फोर, तो माइनस टेन प्लस चौबीस, तो यहां पे हो जाएगा चौदह, ठीक है।
तो इस तरीके से हम लोग छठा का चौथा सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथा का पांचवां क्वेश्चन। पांचवां क्वेश्चन कैसे बोल रहा है क्वेश्चन, जरा उसको देखते हैं। छठा का जो पांचवां क्वेश्चन है वो कैसे बोल रहा है क्वेश्चन, वो ये बोल रहा है कि 3 + √2 + 3 + √2 है ना, फिर 3 + √2 ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको पहले चेक करते हैं कि क्या ये एपी में है, और इसको एपी में चेक करने के लिए हम लोग डी का मान निकालेंगे, अगला पद माइनस पिछला पद। तो अगला पद क्या है 3√2 माइनस पिछला पद क्या है 3, तो कितना आया, एगो 3 प्लस में एगो 3 माइनस में, तो कितना बचा, √2 बचा है ना। और फिर अगला पद माइनस पिछला पद करेंगे तो अगला पद क्या है 3 + √2 और माइनस करना है पिछला पद, तो माइनस इसमें भी आएगा 3 में और इसमें भी प्लस है तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि जब घटाएंगे तो ये भी घटेगा इसके आगे और ये भी घटेगा, तो 3 और 3 तो ऑलरेडी कट जा रहा है। अभी एक मिनट, यहाँ √2 है, यहाँ 2√2 है और यहाँ सिर्फ √2 है, तो यहाँ √2 √2 एक साथ वाला एड होता है, सबस्ट्रैक्ट होता है, तो यहाँ 2 √2 है, 1 √2 घटेगा तो कितना √2 बचेगा, 1 बचेगा। चलिए फिर अगला के लिए ट्राई करते हैं, तो अगला क्या है 3 + √2 और फिर इसके पिछला वाला माइनस करना है, तो इसके पिछले वाला अगर माइनस करेंगे तो यहां बनेगा -3 और यहां बनेगा -2√2। अब ये क्या बनेगा, तो ये वो 3 प्लस में माइनस में, खत्म हो गया। अब यहां 3√2 में से 2√2 अगर घटेगा, 3√2 में से 2√2 अगर घटेगा तो कितना बचेगा √2, तो सब में √2 √2 आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि यह एपी में है, यह एपी में है। और जब एपी में हो गया तो अगला पांचवां पद, छठा पद, सातवां पद हमें निकालना है। तो यहां पे देखिए कैसे निकालेंगे, तो पांचवां पद के लिए फार्मूला क्या है, a + 4d, तो a का मान कितना है 3 प्लस 4 × d, तो d का मान 4√2, तो यहां पे लिख देंगे 3 + 4√2। बस पांचवां छठा पद निकालने के लिए फार्मूला a + 5 2, देखिए जितना पद बोलता है उससे एक कम करके लिखा जाता है, उसी तरह से a का मान कितना है यहाँ पे 3 + 5d, 5d का मतलब 5 × √2, तो यहां हो जाएगा 3 + 5√2। छठा पद तो 3 प्लस, सातवां पद तो a + 6d, तो 6 × √2। इस तरीके से हम लोग पांचवां, छठा, सातवां पद निकाल लिए। तो ये था तीसरा का पांचवां नंबर क्वेश्चन। अगर आगे बढ़े तो तीसरा का छठा देख लेते हैं क्वेश्चन, कि तीसरा का छठा कैसे बनेगा। यहां पे डी का वैल्यू मिटाते हैं। ठीक है, छठा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। छठा क्वेश्चन ये बोल रहा है 0.22 और फिर क्या है 0.2222, ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या ये एपी में है या एपी में नहीं, इसको चेक करना है। तो डी का वैल्यू निकालिए, अगला पद माइनस पिछला पद, तो 0.22 - 0.2, तो अगला पद में से पिछला पद घटाइएगा, तो इसका घटाव कैसे करते हैं, 0.22 में से 0.2 घटाना है, तो यहां कुछ नहीं है तो 0, और 2 में से 0 गया 2 और ये हो जाएगा 0.02, तो यहां 0.02। फिर अगला पद माइनस पिछला पद, तो अगला पद क्या है 2 2 2 और इसके पीछे कितना है 0.22, तो अब कितना बचेगा, यानी कि अब जो घटाना है 0.22 में से 0.22 घटाना है, तो यहां कुछ नहीं है तो 0। अब यहां देखिए तो 2 में से 0 गया 2, यहां 0, यहां 0, तो यहां बन रहा है देखिए 0.002। तो जब आप इतना ही से पकड़ लीजिए कि दो गुडी अभी तक निकाले तो दोनों डी जो है अनइक्वल आ गया,
यानी कि यहां पे बराबर नहीं आया। तो आप यहां पे लिख दीजिए अतः यह एपी में नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है। फिर इधर आपको नहीं निकालना चाहिए, ये सब नहीं निकालना है, ठीक है, यहीं तक। यानी कि जो एपी में रहेगा उसी का अगला पद निकालना है, जो नहीं रहेगा वहां नहीं तक के छोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो छठा हो गया, फिर आते हैं सातवां सिंपल है, आठवां भी सिंपल है, तो और नौवां भी सिंपल है, 1 3 9 7 है, तो देख लीजिएगा क्या होगा। और हम आते हैं डायरेक्ट 10 नंबर पे सवाल, यानी कि और आगे का जो सवाल है बहुत सिंपल है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको बना लीजिएगा खुद से। तो इसीलिए हम और क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, सब में ऐसा ही काम कर रहे हैं। तो आते हैं हम डायरेक्ट 10 नंबर पे, चौथा का 10वां नंबर। क्या बोल रहे ए कॉमा 2A कॉमा 3A कॉमा 4A ऐसे डॉट डॉट। अब इसको चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो अगला पद में से पिछला पद घटाइए, तो 2A में से A गया तो कितना बचेगा A। अगला पद यानी कि अब की 3A लीजिए तो उसके पीछे वाला कितना है 2A, तो उसको घटाइए तो A आएगा। अब की बार में 4A लीजिए, उसके पीछे का 3A घटाइए, हमेशा उसके पीछे वाला घटाया जाता है। तो यहां पे देख पा रहा हूं कि सभी D का मान यानी कि सार्व अंतर का मान सब में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो सब में जब बराबर आ रहा है तो हम यहां पे बोलेंगे कि एपी में है, एपी में है। जब एपी में रहता है तब आपको अगला 3 पद निकालना है, यानी कि 5वां 6ठा और 7वां पद। तो 5वां के लिए तो a प्लस 4d, तो a का मान कितना है, तो a का मान a है, प्लस 4 गुना d का मान कितना है a, तो a प्लस 4a बन रहा है, तो टोटल हो जाएगा 5a। a प्लस 5d, तो a प्लस 5d का मान a है, तो a प्लस 5a कितना बन रहा है 6a, और a प्लस 6d, तो a प्लस 6 इंटू a, तो ये हो जाएगा 7a। तो टोटल मिलाकर हमें ये एपी में रहा और इसको हम लोग अगले का 3 पद निकाल लिए। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करते चलेंगे, और जो क्वेश्चन छोड़े हुए हैं आपको उसी तरीके से जैसे अभी हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं ऐसे ही आपको भी क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अगर वो एपी में नहीं रहेगा तो सिर्फ लिख के छोड़ देना है। तो इस तरीके से 10 के बाद आइए हम लोग चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए ए स्क्वायर ए क्यूब ए के पावर 4 ऐसे इटीसी है। तो डी अगर मान निकालेंगे, डी निकालेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए, ठीक है। तो ए स्क्वायर में से ए को घटाइएगा तो ए स्क्वायर माइनस ए बनेगा, अगला पद माइनस पिछला पद। अब इसमें क्या क्या कॉमन है, तो ए कॉमन है, तो ए कॉमन कर लीजिएगा तो a माइनस 1 बचेगा, ठीक है। फिर अगला बार अगला पद में से उसको पिछला पद घटाना है तो ए क्यू माइनस ए स्क्वायर, तो ये दोनों में अब की क्या कॉमन होने वाला है, ए स्क्वायर कॉमन होने वाला है, और अंदर में क्या बचेगा a माइनस 1। तो जब आप दुवे को d निकाले तो आपको पता चल गया कि ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है, सार्व अंतर ही बराबर नहीं है, क्योंकि एगो में a इंटू ए माइनस 1 है, एगो में a स्क्वायर और ब्रैकेट में a माइनस 1 है। तो इसलिए यहां पे लिखेंगे अतः यह एपी में नहीं है, क्योंकि जब यही दोनों से पकड़ा गया कि नहीं है तो अगला d क्यों निकालेंगे, है ना, इसे d को नहीं निकालेंगे क्योंकि दो ही गो से हमको पता चल गया, तो आगे का फिर हम लोग क्यों टाइम बर्बाद करेंगे निकालने का, है ना। चलिए तो इस तरीके से चौथा का जो 11वां था वो एपी में नहीं था। अब चौथा का 12वां सवाल पे चलते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लोगों को टफ लग सकता है, तो हम 12वां तरफ चलते हैं, चौथा के 12वां क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, √2 √8 फिर √18 √32 ऐसे ही आगे बढ़ रहा है। तो हम लोग डी निकालेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू होगा √8 - √2।
अब रूट आठ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो रूट आठ को लिख सकते हैं दो गुने चार में लिख सकते हैं, दो गुना चार होता है आठ। अब चार का वर्गमूल कितना, तो चार का वर्गमूल दो, इसका तो वर्गमूल दो निकल गया, इसका वर्गमूल नहीं निकला तो इसका रूट टू छोड़ देंगे। यानी कि यहाँ पे आपको मैथ्स का थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा कि रूट एट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो टू रूट टू लिख सकते हैं, ठीक है। और जब टू रूट टू में से ये वाला रूट टू को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ रूट टू बचेगा, क्लियर। उसी तरीके से अगला पद में से पिछला पद को घटाइए, रूट अठारह माइनस रूट आठ। जैसे हम लोग रूट आठ को तोड़े, जरा रूट अठारह को तोड़िए, तो अठारह को लिख सकते हैं दू गुना नौ, और नौ का वर्गमूल तीन, और रूट टू को वैसे ही छोड़ देंगे, तो इसलिए रूट अठारह को हम लोग लिख सकते हैं थ्री रूट टू, और माइनस रूट आठ को लिख सकते हैं टू रूट टू। तो तीन में से दो गया तो कितना बच रहा है, रूट टू। उसी तरीके से अगला देख पाएंगे तो यहां पे बचेगा रूट बत्तीस माइनस रूट अठारह। तो रूट बत्तीस को जैसे हम इसको ऐसा लिख रहे हैं, वैसे ही रूट बत्तीस को हम लोग चार रूट दो लिख सकते हैं, और माइनस यहां होगा थ्री रूट टू में से घटा रहे हैं, रूट टू बच रहे हैं। यानी आप देख पा रहे होंगे कि ये एपी में है, जब एपी में है तो हम लोग ए और डी का वैल्यू यहां पे पुट कर लेंगे। पांचवा पद कैसे निकालेंगे, तो ए के जगह पे रूट टू प्लस फोर इंटू डी, डी का वैल्यू कितना, तो रूट टू, तो ये हो जाएगा रूट टू प्लस फोर रूट टू, तो कितना हो जाएगा टोटल चार और एक पांच रूट टू। और पांच रूट टू को हम लोग पूरा में रूट करना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, पांच का स्क्वायर पच्चीस और पच्चीस दूना का पचास, ठीक है। ये अगर जो कोई बाहर रहता है उसका स्क्वायर किया जाता है, तो पांच का स्क्वायर पच्चीस और पच्चीस दूना पचास। फिर उसी तरीके से ए प्लस फाइव डी, तो ए के जगह पे रूट टू फाइव और रूट टू, तो ये पांच और एक मिलके कितना हो जाएगा, छह रूट टू। और इसको छह रूट टू को रूट में बदलना होगा तो कैसे करेंगे, छवा छक छत्तीस, छत्तीस दूना बहत्तर। उसी तरीके से ए के जगह पे रूट टू प्लस सिक्स रूट टू, तो टोटल कितना रूट टू हो जाएगा, टोटल हो जाएगा सेवन रूट टू। और सेवन रूट टू को अगर पूरा में बदलना चाहे तो क्या होगा, सात का स्क्वायर हो जाएगा उनचास और उनचास दूना अंठानवे, तो रूट अंठानवे। तो आगे का तीन पद हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चार का ये बारह नंबर क्वेश्चन था, चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन चौथा का तेरहवां क्वेश्चन है, रूट थ्री रूट सिक्स रूट नाइन रूट ट्वेल्व, ऐसे ईटीसी, तो इसको चेक करना है। तो डी निकालेंगे, अगला पद माइनस पिछला पद, तो रूट छ माइनस रूट तीन। अब इस रूट छ को लिख सकते हैं रूट में तीन गुना दो, तीन दुना का छ, और माइनस में रूट तीन। और रूट तीन, रूट तीन को अगर यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, रूट तीन तो कॉमन ले लिए तो क्या बच रहा है, यहाँ पे रूट टू बच रहा है और माइनस वन ये। फिर अगर अगला पद में से पिछला पद को घटाइए तो रूट नौ माइनस रूट छ, तो यहाँ कितना बन रहा है, रूट नौ माइनस रूट छ है, तो नौ को लिख सकते हैं तीन गुना तीन, और माइनस इस छ को लिख दीजिए तीन गुना दो, तो दोनों में क्या कॉमन लग रहा है, तो रूट तीन दोनों में कॉमन लग रहा है, तो दोनों में रूट तीन कॉमन करा दीजिए, तो क्या बनेगा यहां पे बन रहा है रूट थ्री, एगो रूट थ्री बनेगा और माइनस यहां बचेगा रूट तीन। तो आप देखिए यही दोनों चीज को देखिए कि क्या ये वाला डी और ये वाला डी दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि अनइक्वल है, क्योंकि दोनों अगर बराबर आता तब ना हम लोग अगला को भी चेक करते, तो यहाँ पे तो दोनों क्या है, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए लिख देंगे अतः यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, तेरह के बाद जरा देख लेते हैं चौदह को कि चौदह सवाल क्या बोल रहा है। चौदह नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक का स्क्वायर तीन का स्क्वायर, ऐसे करके एक का स्क्वायर तीन का स्क्वायर पांच का स्क्वायर फिर सात का स्क्वायर
80 से, ठीक है। तो d निकालेंगे तो अगला पद माइनस पिछला पद, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 9 में से 1 गया 8। फिर अगला पद माइनस पिछला पद, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 25 में से 9 गया कितना बचेगा, तो 16। तो यहां पे आप देख ही पा रहे हैं सीधा सीधा कि यहां पे आया d का मान 8, यहां पे आया 16, तो दोनों बराबर थोड़ा ना है, यहां पे दोनों बराबर नहीं है, अतः लिख दीजिएगा यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है। तो ये बहुत सिंपल है। अब जरा 15वां क्वेश्चन को देखते हैं, यहां 15 क्वेश्चन लास्ट है, तो इस तरीके से हम लोग लास्ट वाले क्वेश्चन पे कर रहे हैं, और लास्ट वाला क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है 1 का स्क्वायर कॉमा 5 का स्क्वायर कॉमा 7 का स्क्वायर कॉमा 73 कॉमा ऐसे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये 15वां क्वेश्चन को चेक करना है कि क्या ये एपी में है। तो अगला पद माइनस पिछला पद, तो अगला पद 5 का स्क्वायर है यानी कि 25 लिख सकते हैं, और माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 1, तो आंसर आ रहा है 24। फिर अगला पद में से पिछला पद घटाएंगे तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस पिछला पद 25, इसको घटाइए 24 आ रहा है। फिर अगला पद 73 माइनस 49, जी हाँ 24 आ रहा है। सब में देख पा रहे होंगे कि d का मान कितना आ रहा है 24, तो जब d का वैल्यू 24 24 24 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या है, ये एपी में है। जब एपी में है तो पांचवां पद कैसे निकालते हैं, a प्लस 4d, तो a का मान कितना 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर का मतलब 1 प्लस 4 गुना d का मान 24, तो 24 चौका 96, 96 और 1 97, ये हो गया। फिर a प्लस 5d, तो 1 प्लस 5 गुना में 24, तो 24 पच्चे 110, और 110 में 11 जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 111, ठीक है। अब जरा हम लोग यहां पे 120 ना होगा तो 121, तो a प्लस 6d, तो a का वैल्यू 1 और 6 × 24, तो यहां पे कितना होगा, तो यहां पे हो जाएगा 145, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, एक जोड़ दीजिएगा। इस तरीके से हम लोग ये पूरा एक्सरसाइज को कंप्लीट किए, यानी कि टोटल ये जो नया चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एपी समांतर श्रेणी, इसमें हम लोग 5.1 एक्सरसाइज को हम लोग अच्छे तरीके से कंफर्म कंप्लीट किए। अब आगे आने वाले जो एक्सरसाइज है उसके लिए भी कुछ हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, उसके लिए कुछ ना कुछ बात सीखेंगे, तब हम 5.2 के चीजों को सीखेंगे। तो हम लोग फिर मैथ्स की क्लास को अगले दिन में उसके उन चीजों को सीखेंगे जो हमें 5.2 में जरूरत होगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।